नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। लाखों गरीबों को मदद करने वाले शौकत खान की अनोखी दीपावली। जहां कोई नहीं पहुंचता, वहां पहुंचते हैं शौकत खान। कोई बनाता दिए रंग बिरंगे, तो कोई रंगोली रंगों वाली। कहीं है अंधेरा घोर, तो कहीं है रोशनी दियों वाली। कोई बैठा भूखा पेट, तो कोई खाए मिठाइयों भरी थाली। शौकत खान निकल पड़े रातों में गरीबों संग मनाने अनोखी दीपावली। ये सिर्फ पंक्तियां ही नहीं हैं, बल्कि गरीबों का दुख दर्द महसूस करने वाले अनेकों निशुल्क बैंक के संस्थापक शौकत खान की सोच है, जिन्होंने सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सभी धर्म के त्योहारों को मनाते रहे हैं। गरीबों के बीच में दीपावली की रात जब सभी लोग अपने घर परिवार के लोगों संग दिवाली मना रहे हैं, वहीं समाज सेवी शौकत खान गाड़ियों में मिठाइयां और कंबल भरकर खुली आकाश में रहने वालों को खोज खोज कर उन्हें मिठाइयां और कंबल उपहार में भेंट करके उनके साथ पटाखे और फुलझड़ियां गरीबों के हाथों में देकर गरीबों के जीवन में खुशियों को भर रहे हैं। इसलिए तो लोग कहते हैं कि जिसका कोई नहीं है उसके साथ हैं शौकत खान। गरीबों ने आधी रात को शौकत खान के साथ अनोखी दीपावली मनाते हुए कुछ बुजुर्ग महिलाएं भावुक भाव से ये कहने लगी, पर्व के खुशी का हुवेला हमनी तो भूलिए गेली, लेकिन रौरा आज हमनी के साथ दीपावली मना के खुशी तो देली, लेकिन घर परिवार के याद करके भर पेट रुवेली। लेकिन ई आंसू खुशी के बा, और राउर बहुत पुण्य के काम करतानी। हमनी के पास तक कुछ नहीं खे, लेकिन दिल से आशीर्वाद देवत है कि बाबू तू कोई देवता से कम नहीं ख। हमनी भले गरीब ही, लेकिन भगवान तोहरा के खूब धन देवे, ताकि तू ऐसे ही गरीब के मदद करते रहा। दीपावली की रात गरीबों के बीच में शौकत खान के साथ थे गढ़वा रेलवे स्टेशन अधीक्षक सीबी कुमार। उन्होंने भी अपने हाथों से गरीबों के बीच मिठाइयां और कंबल बांटते हुए कहा कि हम इतना उम्र में शौकत खान की तरह मानवता का सेवा करने वाला व्यक्ति कभी नहीं देखा। आज हमारी भी दीपावली है, लेकिन शौकत खान के साथ साथ गरीबों के बीच में जो दीपावली मनाने का अवसर मिला, सच कहूँ तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि अपने घर परिवार से दूर हूँ, बल्कि घर से भी ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ। गरीबों के बीच और शौकत खान के साथ में दीपावली मनाकर इस मौके पर उपस्थित थे समाज सेवी नारद चौधरी एवं कपड़ा बैंक के संचालक साजिद खान एवं गढ़वा रेलवे स्टेशन परिवार के बहुत सारे लोग और शौकत खान की ये अनोखी दीपावली रात 8 बजे से 1 बजे तक चलता रहा। पूरे शहर में रिक्शा चालक, टेम्पू चालक, राहगीर एवं फुटपाथ पर सोने वालों के साथ रात में ठेला खोमचा लगाने वालों के बीच रेलवे स्टेशन, करबला के मैदान, मचियाओं मोड़, रंका मोड़, सदर अस्पताल, चौक ब्लॉक, कचहरी रोड होते हुए नवादा मोड़ तक जरूरतमंदों को खोज खोज कर कंबल और मिठाइयां बांटते रहे। क्या करना चाहिए समाज से भी गरीबों के बीच? जाना चाहिए, रहना चाहिए, समझना चाहिए दुख दर्द को क्या है क्या नहीं। शौकत जी के लिए हम पेपर भी पढ़ते आए और देखते भी हैं, गरीबों के बीच जाकर देखते हैं, जाते हैं, उनका दुख दर्द समझते हैं, खुशी मिली हमको। आज आज आपके रेलवे स्टेशन में किन लोगों के बीच में मैंने वितरण किया गया? गरीबों के बीच वितरण किया गया, जिसके पास कपड़ा नहीं था, ऐसी सोई हुई थी महिला, बहुत सारे महिला कपड़ा दी है, मुझे अच्छा लगा। इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे शौकत जी के बारे में? शौकत जी से सब लोग कुछ सीखना चाहिए। कुछ कुछ लोग अपने पॉकेट से खर्च करे गरीबों के बीच में, उसका भी खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी उसको। और आज दिवाली का मौका है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ठीक है, शौकत जी को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। आप सबको पता है कि हम खासतौर पे इंडिया में जितना भी पर्व है, चाहे जिस भी धर्म का, जिस समाज का त्यौहार है, सभी त्यौहार में हम शामिल होते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है कि अब कह सकते हैं शान के साथ कि भारत के साथ पहला व्यक्ति है जो हर त्यौहार में शामिल होते हैं और गरीबों के साथ त्यौहार मनाते हैं। आज भारत का एक बड़ा त्यौहार है दीपों का, दीपावली। सारे लोग अपने अपने त्यौहार अपने हिसाब से मनाते हैं,
लेकिन हर साल की तरह हम फिर आज गरीबों के बीच पूरे शहर में घूम करके उनको जरूरत के अनुसार कंबल, क्योंकि ठंड भी शुरुआत हो चुका है, और सभी के बीच मिठाई, और मिठाई में भी वीआईपी मिठाई जो बड़े बड़े लोग खाते हैं वो मिठाई, मिठाई एक होता है कि दो चार लड्डू लोग खिला दिए उससे एक दिन का समाधान नहीं होता। समाधान वो है जो हम अपने घर में अपने गेस्ट को या अपने बड़े बड़े मेहमानों को खिलाते हैं, वो मिठाई हम खिलाते हैं। और आज आप लोग देखे भी कि उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान कैसे आया और कैसे फुलझड़ी उनके साथ ये किए। बहुत सारे राहगीर थे जो एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले थे, बहुत लोग थे जो अदर स्टेट के थे, वो लोग भी कम से कम यहाँ से जा करके गढ़वा का एक संदेश देंगे कि गढ़वा में एक इस तरह के भी लोग कार्य करते हैं कि भाई जिसका कोई नहीं है वहाँ उनको लोग मदद करते हैं। तो इससे बढ़िया हमें नहीं लगता है कि कोई दीपावली होगा, और आप सभी के चैनल के माध्यम से और आपके सारे दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद।